बात मध्य प्रदेश की, जहां पर एक बार फिर से पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी रेखा लांघते हुए फिर से एक बयान दे दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में रहते हैं और लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सबको साथ लेकर उनको चलना चाहिए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए घर बैठे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ईवीएम पर खड़े किए गए सवालों पर भी आपत्ति जताई है। परिवर्तन नहीं होगा, नेतृत्व यही रहेगा, जीतू पटवारी रहेंगे, रहना चाहिए। और हमारा उनसे यही कहना है कि समितियों के माध्यम से वो पार्टी को चलाएं, बूथ लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक, जिले में, ब्लॉक में समितियां बनाएं। जितने कार्यकर्ता, जितने नेता घर बैठे हैं, उनको सबको आमंत्रित करें, उनको सबको संगठन में शामिल करें। ऐसा नहीं चलेगा कि ये मेरे 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, बस हम सब कर लें, ऐसे नहीं होता है। आपको बूथ पे जाके बूथ कमिटियां बनानी पड़ेंगी, प्रदेश में भी, यहाँ भी, पीसीसी में भी समितियां बने और उन समितियों का जो सुझाव है, जो निचोड़ा है, उस पर आप